नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा GNM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020 से 2021 में राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग, फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, एक्सेप्टेड फॉर्म एंड कैंसिल फॉर्म के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी नोटिफिकेशंस के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियली वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। GNM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020 से 2021 में प्रवेश हेतु लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। 28/10/2020 GNM प्रशिक्षण सत्र 2020 से 2021 में राज्य की नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन GNM कोर्स काउंसलिंग सेशन 2022-21 एक्सेप्टेड फॉर्म एंड कैंसिल फॉर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के संदर्भ में। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। काउंसलिंग विज्ञप्ति। GNM प्रशिक्षण सत्र 2020 से 2021 में राज्य की नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार GNM प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2020 से 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग दिनांक 11/11/2020 से 13/11/2020 अर्थात 11 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 को होने जा रही है। राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों में निर्धारित 940 सीटों हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी या जांच एवं इस परिप्रेक्ष्य में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण पश्चात आरक्षण की श्रेणीवार एवं 10+2 जीव विज्ञान योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर सभी श्रेणियों के 4 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया गया है। GNM प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2020 से 2021 में प्रवेश सीनियर सेकेंडरी के प्राप्तांक प्रतिशत की मेरिट के आधार पर दे होगा, जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी अपने प्रवेश हेतु विभागीय वेबसाइट से अग्रिम फीस पेटे जमा राशि ₹180 प्रति फीस ई मित्र या CSE नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी जमा करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि GNM प्रशिक्षण सत्र 2020 से 2021 की प्रथम राज्य की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 11/11/2020 से 13/11/2020 तक रहेगी। राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों में निर्धारित जो सीटें कितनी रखी गई है, 940 रखी गई है। यहाँ पर राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर जिसमें 10+2 जो मार्क्स हैं निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी के जो प्राप्तांक है प्रतिशत की जो मेरिट के आधार पर यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। दिनांक 31/10/2020 से 9/11/2020 तक योग्य अभ्यर्थी अपना विकल्प विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों की सूची डाउनलोड या प्रिंट कर अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों को वरीयता देकर अपना विकल्प भरकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि विकल्प भरने की जो तिथि है 31/10/2020 से 9/11/2020 तक रहेगी।
प्रशिक्षण केंद्रों का आवंटन दिनांक 11/11/2020 से 13/11/2020 को राज्य स्तरीय मेरिट व अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र पर सीट रिक्त होने की स्थिति में किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑनलाइन जो विकल्प भरने की तिथि है 31/10/2020 से 9/11/2020 तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ मार्क्स के संदर्भ में। राज्य की नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु 940 सीटों के लिए 4 गुना अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स, तो इसका विशेष ध्यान रखें 940 सीटों के लिए 4 गुना जो अभ्यर्थी है उन्हें बुलाया गया है। तो यहाँ कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के संदर्भ में। कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 79%, ओबीसी में 79%, ईडब्ल्यूएस में 64%, एमबीसी में 67%, एससी में 72%, एसटी में 73%, टीएसपी एससी में 67%, टीएसपी एसटी में यहाँ पर 70%, सहेरिया में 50%, पीएच में यहाँ 40% और आईएस में यहाँ 40% और अदर में यहाँ पर पीएच अदर में 44% और आईएस में 40% जो कट ऑफ से मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम मेल के संदर्भ में। जर्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ 84%, विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर जो जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रथम वरीयता दी गई है। जर्नल में है 84%, ओबीसी में 83%, ईडब्ल्यूएस में 79%, एमबीसी में 76%, एससी में 78%, एसटी में 73%, टीएसपी एससी 70%, टीएसपी एसटी 73%, सहेरिया 50%। इसी तरह से पीएच जो कैंडिडेट्स हैं 50% और आईएएस कैंडिडेट्स होने पर 40%, अदर पीएच होने पर 60% है और आईएएस होने पर यहाँ 40% जो कट ऑफ से निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये कट ऑफ 40 गुना जो अभ्यर्थी है उन्हें बुलाने के पश्चात निर्धारित की गई है। तो यहाँ 940 सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है प्रारंभ होगी। अब बात कर लेते हैं हम फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स के संदर्भ में। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। निदेशालय की जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020 से 2021 की संक्षिप्त विज्ञप्ति 24/8/2020 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी या जांच के उपरांत अभ्यर्थियों की अंतरिम वरीयता सूची निदेशालय के आदेश क्रमांक 16/10/2020 के द्वारा जारी करते हुए किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21/10/2020 तक तत्संबंधी प्रतिवेदना प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। निर्धारित तिथि तक प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण कर लिया गया है, अतः अंतिम वरीयता सूचियां निर्देशानुसार जारी की जाती है। तो अब हम देख लेते हैं जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची क्या क्या है। एक्सेप्टेड फॉर्म, जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म स्वीकार किया गया है, जैसे हम लिंक पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन जीएनएम कोर्स काउंसलिंग सेशन 2020-21। तो यहाँ पर हम जीएनएम आईडी
कैंडिडेट नेम, जेंडर नेम, कैटेगरी नेम, डीओबी ग्रुप और यहाँ टोटल, यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑप्टेंड मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी है और यहाँ पर कैटेगरी के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से एक लंबी लिस्ट जारी की गई, 525 जो प्रश्न है कि जो लिस्ट जारी की गई है, तो इसे आप डाउनलोड करके आसानी से जो अपना नाम है सर्च कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कैंसिल फॉर्म के संदर्भ में। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन जीएनएम कोर्स काउंसलिंग सेशन 2022-21। तो इनके जो यहाँ कुछ कमियाँ बताई गई हैं, यहाँ कैंडिडेट नेम है और यहाँ पर रिमार्क किया गया है 10th and 12th की अंक तालिका या प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 और 12th की जो अंक तालिका है वो ही अपलोड नहीं की गई है। एक से अधिक आवेदन किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो एडमिशन प्रवेश पत्र, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे रिजेक्ट किया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ज़्यादातर में यही समस्या आ रही है कि 10 और 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड नहीं की गई है, सही ढंग से स्पष्ट नहीं है, 5 से कम विषय होने की स्थिति में। इसके अलावा यह हम देख सकते हैं सेकेंडरी 10+2 आवेदन पत्र में अंक तालिका में जन्मतिथि अलग अलग है और अभ्यर्थी की जो आयु है वो कम है, तो कम आयु जो 17 वर्ष जो आयु है रखी गई थी इसके लिए। ज़्यादातर जो अंक तालिकाओं के संदर्भ में जो लापरवाही है वो यहाँ पर परिणाम यह है कि इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आयु का संदर्भ में भी यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है और यहाँ परसेंटेज की कमी भी दर्शाई गई है, गलत अपलोड किया गया है। तो इन विद्यार्थियों को एक मौका दिया गया था परिवेदनाओं के संदर्भ में, इसके बावजूद भी ये गलतियाँ रही और इन्हें जो इनका जो फॉर्म है वो क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। इस पीडीएफ फाइल की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जल्दी ही ऑनलाइन जो विकल्प है मांगे जाएंगे, जैसे ही ऑनलाइन विकल्प के लिए लिंक सक्रिय होता है इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEVTHSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।